गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्मश्री समेत विभिन्न पुरस्कार के लिए चयनित विशिष्ट लोगों की सूची जारी की गई। इस सूची में 120 नंबर पर मिर्जापुर जिले की प्रख्यात कजली और लोक गायिका उर्मिला श्रीवास्तव को शामिल किया गया। उन्हें यह सम्मान अपनी संस्कृति और लोक कला को लेकर दिया जा रहा है। वही सम्मान मिलने पर उर्मिला श्रीवास्तव ने इसे विंध्य क्षेत्र का सम्मान बताया, साथ ही कहा कि माता विंध्यवासिनी की कृपा से शानदार प्रदर्शन किया। बता दें कि उर्मिला श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी समेत विभिन्न मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है। क्या हमारे पूरे जनपद के लिए, सारे कलाकारों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और आज मेरे 55 साल का जो तपस्या था आज मेरा पूरा हुआ। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने मोदी जी को, अमित शाह जी को और मिर्ज़ापुर के सारे हमारे जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जिन्हों कोई ऐसा नहीं है। अरे बहन जी आपके मिले चाहता, अरे दीदी अभी तक नहीं मिला, अरे आंटी अभी तक, तो सुनते थे तो हमको भी थोड़ा सा लगता था, क्योंकि अपने को कहने में तो हम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सबसे पुराने हम 55 साल से गा रहे हैं, आज 75 वर्ष के हो गए हैं और इस चीज़ से हम वंचित रहे, लेकिन कोई बात नहीं, हमें हर चीज़ में संतोष है।